हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग में यूज़ की जाने वाली कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का ये हमारे पास थर्ड पार्ट है इसकी टू वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं प्लस वन अकाउंटिंग की जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर देख सकते हैं सो so, इस थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट फाइव बेसिक टर्म्स के बारे में जिसमें से फर्स्ट हमारे पास आती है Gain, second लॉस थर्ड डिस्काउंट फोर्थ वाउचर और फिफ्थ गुड्स सो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स इनको अंडरस्टैंड करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन अपेयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज अपलोड करें अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग उनका लिंक उनका नोटिस आपको मिल जाए सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट बेसिक टर्म हमारे पास आती है गेन। गेन और प्रॉफिट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं और इनको डिफरेंट वे से यूज किया जाता है प्रॉफिट जिसको कि हमने प्रीवियस सेकेंड पार्ट में अंडरस्टैंड किया था एक ऐसी इनकम होती है जो बिजनेस को जनरेट होती है बाय परफॉर्मिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज़ सो so, एक बिजनेस जब अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करता है और सेल करने के बाद जो उसको इनकम जनरेट होती है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं लेकिन वो इनकम जो बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं अर्न होती वो इनकम जो बिज़नेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इंक्लूडेड नहीं है उससे रिलेटेड नहीं है वो सारी इनकम्स को हम क्या बोलते हैं गेन सो सिंपल अगर डिफरेंस अंडरस्टैंड किया जाए एक बिजनेस अगर क्लोथ मैन्युफैक्चर करता है तो क्लोथ को मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में जब उनको सेल करता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है एट दैट टाइम जो उसको इनकम जनरेट होती है वो उसका प्रॉफिट है लेकिन अगर उसको अदर देन कोई और सोर्स से इनकम जनरेट होती है तो वो उसका प्रॉफिट नहीं होता वो उसका क्या होता है गेन जैसे मान लीजिए बिजनेस ने अपनी एसेट सेल कर दी बिज़नेस को कोई लॉटरी लग गई या फिर उसको कोई प्रॉफिट ऐसा हो गया जो बिज़नेस की एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम गेन बोलते हैं सो so, प्रॉफ़िट वो इनकम जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है और गेन वो इनकम जो बिज़नेस की एक्टिविटी से रिलेटेड तो होती है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होती वो इंसिडेंटल होती है इसलिए उसको हम गेन्स में इंक्लूड करते हैं सो so, यहाँ पर हमें कह रहे हैं प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम अदर देन मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज गेन एक बिजनेस के लिए ऐसी इनकम होती है ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि बिज़नेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती प्रॉफिट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस ये एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फिक्स्ड एसेट सेल कर दी उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ था वो जीत लिया उनको कोई लॉटरी लग गई So, ये वो सारे प्रॉफिट्स हैं जिसको हम गेन बोलते हैं ये वो सारी इनकम्स हैं जो गेन कहलाती हैं प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम दोज इवेंट्स विच आर इंसिडेंशियल टू आ बिजनेस वो सारी इनकम जो कि जनरेट होती है थ्रू एन इंसिडेंशियल ऑपरेशन यानी अचानक से कोई इनकम जनरेट गई उसको हम क्या बोलते हैं गेन सेकेंड हमारे पास आता है लॉस जो कि प्रॉफिट के बिल्कुल ऑपोजिट है अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू देयर इनकम तो बिजनेस को क्या हो जाएगा लॉस सो द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एज लॉस अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट और लॉसेस दोनों ही एक पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर या कैलेंडर ईयर से बिलोंग करते हैं जैसे कि फर्स्ट अप्रैल से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च तक या फिर फर्स्ट जनवरी से लेके थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक सो so, अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है इन दैट केस उसको हम क्या बोलते हैं लॉस थर्ड हमारे पास आता है डिस्काउंट डिस्काउंट एक ऐसी डिडक्शन होती है जो एक कंज्यूमर को देनी होती है वाइल्ड सेलिंग द प्रोडक्ट सो जब एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को एट दैट टाइम जो प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट जो डिडक्शन दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट जिसकी मार्केट प्राइस है हंड्रेड रुपीज उसको एक बिजनेसमैन सेल कर रहे हैं नाइन्टी रुपीज का इट मीन्स टेन रुपीज की जो डिडक्शन है वो हमारे पास क्या है डिस्काउंट सो द डिडक्शन इन द प्राइज ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट सो प्राइज में जो डिडक्शन की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट अब डिस्काउंट को बेसिकली हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट ट्रेड का मतलब क्या होता है बाइंग एंड सेलिंग सो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो बाइंग एंड सेलिंग करते हुए कस्टमर को दिया जाता है यानी सिर्फ डीलिंग करते हुए आपकी शॉप पे एक कस्टमर आया उसने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया बाइंग एंड सेलिंग की बात चल रही है एट दैट टाइम जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है जो प्राइस में डिडक्शन दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट सो डिस्काउंट ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ डील विद दी कस्टमर सो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो कि बिजनेस मैन को ऑफर करना होता है वाइल मेकिंग अ डील बाइंग एंड सेलिंग की अभी डील चल रही है एट दैट टाइम जो डिस्काउंट देना होता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं सिंपल एग्जाम्पल है हंड्रेड रुपीज़ का प्रोडक्ट था कस्टमर आपके पास आया वो कहता कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को परचेज करना है बताइए कितना डिस्काउंट मिलेगा टेन रुपीज़ का डिस्काउंट आपने दे दिया नाइन्टी रुपीज़ का वो कस्टमर परचेज करने के लिए रेडी हो गया इट मीन्स ये जो डिस्काउंट दिया है आपने एट द टाइम ऑफ डीलिंग वो क्या है ट्रेड डिस्काउंट नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो क्रेडिट पर प्रोडक्ट परचेज करते हैं और विद इन अ टाइम कैश पे कर देते हैं जैसे मान लीजिए कस्टमर आया हंड्रेड रुपीज़ का प्रोडक्ट था टेन रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दिया डीलिंग करते हुए ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट अब उस कस्टमर ने कहा कि भाई ये नाइन्टी रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है वो मैं क्रेडिट पर परचेज करना चाहता हूँ यानी उधार पर पेमेंट अभी नहीं बाद में करूँगा सो इन दैट केस आप एक टाइमिंग डिसाइड कर दोगे कि विद इन थर्टी डेज आपने ये पेमेंट मेरे को कर देनी है सो so अगर वो कस्टमर थर्टी डेज़ के बीच में आपको पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो आपको कहता है कि भाई क्योंकि मैंने थर्टी डेज के बीच में पेमेंट कर दी है इसलिए अब मेरे को डिस्काउंट चाहिए सो so, वो डिस्काउंट जो आप कैश रिसीव करते हुए अपने कस्टमर को देते हो वो कौन सा होता है कैश डिस्काउंट और अकाउंटिंग में आपको ये पता होना चाहिए जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो शो नहीं किया जाता क्योंकि ये डीलिंग के टाइम का डिस्काउंट होता है जो एक्चुअल डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट उसको बिजनेस में शो किया जाता है और ये बिजनेस का लॉस होता है क्योंकि एक प्रोडक्ट जो हंड्रेड रुपीज का था वो आपने कितने का सेल किया नाइन्टी का अब उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है सो कैश डिस्काउंट आ डिस्काउंट ऑफर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश पेमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड सो अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड में आपका कस्टमर आपको पेमेंट कर देता है और डिस्काउंट मांगता है और एट दैट टाइम अगर आपको डिस्काउंट देना पड़ जाता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट नेक्स्ट हमारे पास आता है वाउचर्स वाउचर्स एक तरह से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक तरह से एविडेंस का काम करते हैं एज अ प्रूफ सो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय एंड सेल करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको वाउचर्स दिए जाते हैं और वो वाउचर्स डिपेंड करते हैं कि आपने प्रोडक्ट कैसे परचेज किया है अगर कैश परचेज किया है तो आपको कैश मेमो मिलेगी यानी उस उसपे ऊपर क्लियरली मैंशन किया होगा कि कैश रिसीव हो चुकी है अगर आपने क्रेडिट पर परचेस किया है तो वो आपको इनवॉइस मिलेगा इनवॉइस ऊपर लिखा होगा इट मींस अभी आपने पेमेंट नहीं की है सो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर परफॉर्मिंग एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जाती है उसके लिए वाउचर जो है वो एक तरह से एविडेंस है कि हमने ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है सो so, नेक्स्ट हमारे पास आती है गुड्स गुड्स बिजनेस के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिसमें एक बिजनेस डील करता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस पेन में डील करता है तो उसके लिए जो पेन है वो उसकी गुड्स हैं अगर एक बिजनेस मैन क्लोथ्स में डील करता है तो उसके लिए क्लोथ्स उसकी गुड्स हैं सो सिंपल है जिस भी चीज़ का बिजनेस है जिस भी आइटम्स का बिजनेस है आपका जिसमें आप डील करते हो जिसको आप बाय और सेल करते हो उनको हम क्या बोलते हैं गुड्स अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आपके लिए टेबल एंड चेयर्स आपकी गुड्स हैं लेकिन अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस नहीं है आपका क्लोथ्स का बिजनेस है तो क्लोथ्स आपके लिए क्या हैं गुड्स हैं और आपने अगर बिजनेस में फर्नीचर रख रखा हुआ है अपने यूज के लिए तो वो फर्नीचर आपकी एसेट्स होती हैं सो so, यहाँ पर हमें कह रहे हैं प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस इज डीलिंग इज नॉन एज गुड्स वो सभी प्रोडक्ट्स जिसमें एक बिजनेस डील करते हैं यानी बाय और सेल करता है उनको हम गुड्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आपके लिए टेबल्स एंड चेयर्स जिसको आप मार्केट में रीसेल करोगे वो आपके लिए गुड्स हैं और अगर आपका क्लोथ्स का बिजनेस है तो क्लोथ्स आपके लिए गुड्स हैं और फर्नीचर अगर आपके पास पड़ा हुआ है क्लोथ के बिजनेस में तो वो आपका एसेट है गुड्स नहीं है क्योंकि आप उसको रीसेल नहीं करोगे सो ध्यान रखना है जिसको आप डीलिंग करते हो जिसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हो वो आपकी गुड्स होती सो so ये थी हमारे पास आज की फाइव इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स आई होप ये आपको हेल्प करेंगी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अपने सभी क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं